तो भाई और बहनों, आजकल हमारे देश के युवाओं के अंदर जो है वो फिल्म मेकर बनने का खून भूत भूत सवार है भूत। तो अगर आप में से जो भी युवा देख रहे हैं, अगर उनको मूवी बनाने का शौक है तो उसको मूवी की तरह बनाएं, ना कि एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह बनाएं कि कैमरा हिल रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि सामने क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने फोन से भी एक अच्छा मूवी बना सकते हैं अगर आप ये बेसिक टिप्स फॉलो करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप जो सा भी कैमरा से शूट कर रहे हैं, सेल्फी कैमरा से या बैक कैमरा से, आपको उसको साफ कर लेना है। चाहे वो किस चीज से भी साफ करे, अपने टी शर्ट से, अपने रुमाल से, या आपके पास कोई क्लीनिंग क्लॉथ है उससे। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, जब कैमरा साफ नहीं रहता है तो ये कितना अजीब सा फ्लेयर और गंदा सा वीडियो बनता है। और सेल्फी मोड में भी सेम चीज होता है कि वीडियो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं आता है, लेकिन कैमरा को साफ करने के बाद देख रहे होंगे कि जैसा ये अजीब सा फ्लेयर आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। और सेल्फी मोड में भी यही होता है कि जैसा पहला वीडियो बन रहा था कंपैरेटिवली उससे ज्यादा अच्छा वीडियो बन रहा है। ये वाला जो ट्रिक है ये सबको यूज करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता है कि आपने क्या खाया है, क्या छुआ है, कहाँ से तेल पसीना। और उसके बाद आजकल के बच्चे तो फोन लेके बाथरूम में भी जाने लगे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दूसरा टिप ये है कि आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये सोच लेना है कि आपको वीडियो टिकटॉक के लिए शूट करना है या यूट्यूब के लिए शूट करना है, मतलब वर्टिकल शूट करना है या हॉरिजॉन्टल शूट करना है। तो इससे होता क्या है कि जब भी आप वीडियो एडिट कर रहे होते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे होते हैं या यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आता है और उस प्लेटफॉर्म के लिए वो बहुत अच्छे से शूट कर जाता है। तो तीसरा सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको अपने कैमरा के सेटिंग्स में जाके असिस्टिव ग्रेड और लेवलर को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो लेवलर है और ये जो ग्रिड लाइंस है जो आपको दिख रही है, इसको आप कह सकते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे सीता माँ बाहर नहीं जा सकती है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके कॉम्पोजिशन को डिफाइन करने के लिए। तो जो ये चार लाइंस का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, ये कॉम्पोजिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि एक व्यूअर का नजर सबसे पहले इन चार पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर जाता है। तो जैसे ये जो क्लिप है, इस क्लिप का कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो इस चार पॉइंट पर नहीं है, वो कहीं बीच में खड़ा है, तो कॉम्पोजिशन में मजा नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरा क्लिप है, इसमें सब्जेक्ट उस चार पॉइंट में से दो पॉइंट पर है, तो मेरे हिसाब से दूसरा वाला क्लिप पहले वाले क्लिप से काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर आपको कॉम्पोजिशन के बारे में और जानना है तो मेरा एक और वीडियो बनाया हुआ है कॉम्पोजिशन के ऊपर, तो आप ये आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं वो कॉम्पोजिशन वाला वीडियो। तो अब मूव करते हैं चौथे टिप पर। आपने एक महान कवि का ये वाला दोहा तो सुना ही होगा कि ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। तो जो ये चौथा टिप है ये उसी चेहरा पर रोशनी बनाए रखने के लिए है, और हनी सिंह जी भी ये टोटका अपने म्यूजिक वीडियोस में यूज करते हैं। इस टिप में हम लोग यूज करेंगे एक्सपोजर लॉक बटन का। तो स्क्रीन पर कहीं पर भी टच करके अगर उसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वहां पर एक लॉक बटन बन जाएगा और एक्सपोजर लॉक हो जाएगा। तो इससे एक्सपोजर लॉक हो जाता है और फ्लक्चुएट नहीं करता है एक्सपोजर कैमरा हिलाने से। और अगर एक्सपोजर को लॉक नहीं करते हैं तो फोन अपने आप एक्सपोजर डिसाइड कर लेता है, और जैसा कि आप यहां देख सकते ये अपने हिसाब से एक्सपोजर को चेंज कर रहा है बार बार। तो ये टिप आप यूज कर सकते हैं अपने चेहरा पर और सामने वाले के भी चेहरा पर रोशनी बनाए रखने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं पांचवें टिप पर। तो अपने घर के शादियों और पार्टियों में आपने देखा होगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जब भी फोटो या वीडियो बनाते हैं तो वो अपने फोन में ऐसे उंगली कर करके बड़ा छोटा करते हैं और जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो ये चीज बेसिकली नहीं करना है, क्योंकि डिजिटल जूम जो है वो इमेज के क्वालिटी को खराब कर देता है। तो अगर आपको कभी भी जूम इन करने का नीड फील हो तो आप जूम इन करने की जगह कोशिश करें कि आप आगे जाके सेम वीडियो शूट कर लें, उससे आपके वीडियो का क्वालिटी रिटेन रहेगा। तो टिप नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता है।
तो जब भी आप ऑटो पर बैठकर कहीं जाते हैं ढकड़ 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 हिलते हिलते, तो आपको मजा नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोग कार से सेम जगह पर जा रहे हैं तो आप थकेंगे नहीं और आपको मजा आएगा वो जर्नी में। तो उसी तरह आप अपने ऑडियंस को हिलता हुआ शेकी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं, आपको वीडियो को स्टेबलाइज करने का जरूरत है। और इसको करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा जो ये कैमरा है ये ट्राइपॉड पर है, तो उसी तरह आप फोन को भी ट्राइपॉड पर लगाकर वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जब भी आप अपने फोन से वीडियो बना रहे हैं तो आपके और आपके फोन के बीच जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स रहेगा वीडियो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं तो वो कह सकते हैं कि शेकी फुटेज आएगा, लेकिन अगर आप वही दो हाथ से वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये दो हाथ को अपने बॉडी से अगर आप और सपोर्ट दे रहे हैं तो वीडियो और स्टेबल आएगा। और आजकल कैमरा में तो इनबिल्ट कैमरा स्टेबलाइजेशन भी होता है, तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करता है। और तीसरा तरीका ये है कि आप गिम्बल यूज़ कर सकते हैं। ये गैजेट बेसिकली मोबाइल फिल्म मेकिंग के लिए ही है और ये फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना देता है, तो आप इससे काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी अच्छा सब शॉट ले सकते हैं। ये गिम्बल मेरे हिसाब से मोबाइल फिल्म मेकर्स के लिए काफ़ी अच्छा गियर है इन्वेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ मूव करते हैं हमारे लास्ट टिप के ऊपर। बिगिनर फिल्म मेकर्स को हमेशा एक प्रॉब्लम आता है, मेरे को भी आया है, सबको आता है कि तो जब भी आप एक फिल्म, एक मूवी या एक वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप दूर का ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करेंगे अगर आप यहां से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि आप एक फोन में वीडियो रिकॉर्ड करें और एक फोन में ऑडियो रिकॉर्ड करें, और इस फोन का ऑडियो आप इस फोन के वीडियो के साथ आप यूज कर सकते हैं। और उसको सिंक करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, जब आप इस फोन का वीडियो ऑन करते हैं तभी आप इस फोन का ऑडियो ऑन करें और एक जोर से क्लैप कर दें। इस क्लैप से होता क्या है कि साउंड के वेव फॉर्म में एक लंबा सा ऐसे पीक आ जाता है, जो कि आप देख कर अगर आप उसको अलाइन कर देंगे तो आपका दूसरे फोन का ऑडियो पहले फोन के वीडियो से आराम से सिंक हो जाएगा। और आप इसी तरीके से दूर का ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं पास के फोन से। और इसका आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो इस सिचुएशन में जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑडियो इस फोन में रिकॉर्ड हो रहा है जो मेरे हाथ में है, और वीडियो उस फोन में रिकॉर्ड हो रहा है जो वहां शूट कर रहा है। और कैसे ये दोनों वीडियो और ऑडियो को हम लोग साथ में मिला सकते हैं और ये बिल्कुल सेम वीडियो लगेगा। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ये टिप्स अपने फिल्म मेकिंग में यूज करेंगे और होपफुली उससे अच्छा रिजल्ट आए। तो इसी खुशी में इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन लोगों से जो फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं और जिनको ये टिप्स का जरूरत पड़ सकता है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।